गाइस आज हम आपको दिखाएंगे देवा थावा का तूफान अखाड़े में, और ये है बिल्ली पहलवान। बिल्ली पहलवान से कुश्ती है देवा थावा पहलवान की, और देवा थावा पहलवान बहुत ही खतरनाक पहलवान है। और ये देखें कि आज जावेद गनी पहलवान की भी एंट्री हो गई अखाड़े के बीचों बीच। एक तरफ है जावेद गनी पहलवान, दूसरी तरफ है देवा थावा पहलवान, और सारे अखाड़े में घुमा घुमा कर पेला सारे पहलवानों को ठोका इन दोनों पहलवानों, क्योंकि दोनों पहलवान सुपरस्टार पहलवान हैं और बहुत ही खतरनाक कुश्ती है। ये देखें कि आज देवा थापा ने भी पूरे अखाड़े में दौड़ा दौड़ा कर पेला, और देवा थापा ने बहुत ही खतरनाक तरीके से पेला, और ये देखें जावेद गनी पहलवान ने भी बहुत ही खतरनाक तरीके से पेला। इन दोनों पहलवानों ने पूरे अखाड़े में तूफान मचा दिया, और जब भी ये अखाड़े में दोनों पहलवान आते हैं तो अखाड़े में तूफान सा जाता है। दोस्तों जावेद गनी पहलवान और देवा थावा पहलवान की खतरनाक स्टंट देखना, कितने खतरनाक स्टंट मारते हैं, धोबी बाट इतने मारते हैं इनकी पहलवानों की जवानी चक्कर काट के। दोस्तों आज की कुश्ती में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि एक तरफ दो सुपरस्टार पहलवान हैं, एक तरफ है देवा थावा, दूसरी तरफ है जावेद गनी पहलवान। दोनों ने मिलकर बूम धोबी पाट मारे और जनता इनकी दीवानी हो गई। और देखें ये कुश्ती बहुत ही खतरनाक है, आज से पहले आपने इतनी खतरनाक कुश्ती गाइस नहीं देखी होगी। और ये देवा थापा ओरिजिनल देवा थापा नेपाल काठमांडू से जो बिलोंग करते हैं, इनके स्टंट बहुत ही खतरनाक स्टंट है। और बिल्ली पहलवान को आज इतनी बुरी तरीके से मारा, इनकी जवानी चक्कर काट गई, और ये बीमारी से चित नहीं होता है। और ये देखना कि जब बना दिया है देवा थापा ने चक्कर व्यू बिल्ली पहलवान का, और ये जो है बिल्ली पहलवान बहुत तगड़ा पहलवान है, और जावेद गनी पहलवान और देवा थावा पहलवान सुपरस्टार पहलवान है। आज इन दोनों पहलवानों ने पूरी अखाड़े में पहलवान जी जो 500 रुपए दिया ना भाई साहब ने, वो नहीं दूंगा मैं तुझे। हाँ लड़ चाहे ना लड़, मैंने दूंगा। बहुत दिनों के बाद 500 का नोट देखने को मिला और इनका शानदार मकान नंबर 420। अच्छा अच्छा जल्ला पहलवान का तीसरा लड़का मकान नंबर 420 के 21 है भाई साहब, आगे पीछे नहीं हुआ अभी। अच्छा तुम्हारा बाप का 19 था, तुमने 20 कर दी, 21 तुम्हारा लड़का करेगा। और इन्हीं के सवालों के जवाब में है देवा थापा पहलवान नेपाल पट्टा भैर सिंह गेंडा, इसका गुरु था ध्यान सिंह गेंडा पहलवान, उसको तुमने नहीं देखा, बहुत छोटे हो गए। कोसी का टाइम 15,000, चलो पहलवान जी चलिए, चलो घड़ी हमारे हाथ में पहलवान जी चलिए, डरो मत। दोनों पहलवान बहुत अच्छे, ए मिट्टी रहने दो, मिट्टी रहने दो, ऐसे ही चलो मिट्टी लग जाएगी। बहुत अच्छे, ये सुबह में ठंड ज्यादा है, बिना मिट्टी से कुछ क्यों हो जा, खत्म हो जाने को कोशिश कर रहा, लेकिन ऐसा मस्त मिट्टी पे ना लगाऊंगा, तुझे नहाना ही पड़ेगा आज। हेलो ए हरिया बुढ़ा भगवान, क्या कह रहे बहादुर, एक तरफ नेपाल है और एक तरफ राजस्थान है, सिराली में चल रहा है मुकाबला हर साल की तरह। इंडिया नहीं, इंडिया और नेपाल के बीच चलता मुकाबला, जो दर्शक बाहर खड़े हैं लगा दे जलवा जलवा, बहुत अच्छे। राजस्थान की शान गिन्नी पहलवान, यही है चैतन्य। नेपाल की शान देवा थापा पहलवान, जवाब नहीं दोनों का जवाब नहीं, क्या बात है। बहुत ही शानदार मुकाबला, बहुत ही घमासान मुकाबला दोनों के बीच, राजस्थान और इंडिया के बीच बहुत ही शानदार और शानदार मुकाबला। बाहर खड़ी शौकीन जनता से मैं ये गुजारिश करूंगा कि अपना अपना टिकट लेकर दंगल we'll be right back.
हेलो यार, ये पत्ती भी दिखा करते तुम, सबके आंखों में मिट्टी फेंक रहे तुम। अरे यार एक बात सुन, तू पिछले जन्म में कुत्ता था क्या जो काट रहा सारा है? काटना है तो अच्छी जगह काट। मैं सुबह ढंग से पानी खत्म हो गया था, मैं ढंग से धोके नहीं आया था। हाँ पहलवान, नौजवान आदमी हो, दोनों नौजवान हो, ढंग से लड़ो या मारो या मर जाओ। अरे खाना लगा ले, हमारा इंडिया जीतेगा। इमरान भाई जल्दी फाइल मंगाओ, आंखों में मिट्टी चली गई यार। क्या यार हद हो गई, तुम लोग उल्टे उल्टे काम करते हो, मिट्टी आंखों में डालते हो, आंखों में मुंह में डालते हो।
पब्लिक बताएगी कुश्ती हुई नहीं हुई। हेलो, अभी कुश्ती नहीं हुई, इसका पैर मुड़ गया था, दो कर अभी कुश्ती नहीं हुई, दोबारा लड़, अभी नहीं हुई कुश्ती। हाँ भाई, नाम के नाम ही पब्लिक बता देगी कुश्ती हुई या नहीं हुई। नहीं हुई, हो गई कुश्ती, नहीं हुई। पब्लिक कह रही है क्या कमाल करते हैं कि मैंने नेपाली पहलवान तेरा जवाब नहीं, क्या बात है, मेरे है नेपाल के साथ तेरा छोटा पहलवान, क्या बात है पहलवान जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये रुकते नहीं है, बता अब बता अभी दूसरे अब हो गई। ड्राइवर होने चक्का जाम का रखा कि नहीं पहलवान, तो तुम भाग।